हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 7। और पार्ट 7 में हम लोग बात करने वाले हैं गिब्स एनर्जी की, जिसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, एंड स्पॉन्टेनिटी की। आप जानते हैं हम लोग एंट्रोपी और एंथैल्पी की बात कर चुके हैं, और एंट्रोपी को एज ए स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया भी यूज ले चुके हैं, लेकिन एंट्रोपी एंट्रोपी से स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, वो पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एंट्रोपी वाला जो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के लिए इतना फिजिबल नहीं है, इसलिए गिब्स एनर्जी को एज ए स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो काफी ज्यादा ईजी है, काफी ज्यादा मतलब अच्छे से समझ में आता है, और उसको अप्लाई हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसको स्पॉन्टेनिटी पता लगाने के लिए, किसको? गिब्स एनर्जी क्राइटेरिया को। ठीक है, सबसे पहले गिब्स एनर्जी जो है, जिसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क, यानी कि एक सिस्टम की कैपेसिटी का मेजर है, मतलब एक सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर सकता है उसकी कैपेसिटी का मेजर है फ्री एनर्जी, यानी कि एक सिस्टम जितना ज्यादा यूजफुल वर्क कर सकेगा उसमें फ्री एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगली वाली डेफिनेशन इजी है, आपको समझ में आएगी। इट इज द पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच, यानी कि ये जो फ्री एनर्जी है ये सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट है विच इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू यूजफुल वर्क, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए अवेलेबल है, यानी कि एक सिस्टम की वो एनर्जी जिसको हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं वो उसकी फ्री एनर्जी है, यानी कि एक सिस्टम की वो एनर्जी जो फ्री है यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, कि भाई ये फ्री है इसको कर लो, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब आप कहोगे सर यूजफुल वर्क क्या है, तो यूजफुल वर्क देखो, आप अभी तक हम जो वर्क की बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क था, है ना, पीवी वर्क, जिसको हम लोग एक्सपेंशन वर्क भी बोलते हैं। यूजफुल वर्क ये पीवी वर्क नहीं है, समझ लो, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है। ये देखो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क, या फिर माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल वर्क, है ना। तो ये यूजफुल वर्क नॉन एक्सपेंशन वर्क है बेसिकली, है ना। जैसे नॉन एक्सपेंशन वर्क के एग्जांपल में आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल वर्क, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इक्वेशन देखते होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, कि डेल्टा जी एक सेल से हम कितना इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेल्टा जी के इक्वल, ठीक है ना। तो जब तक डेल्टा जी का साइन निगेटिव रहता है सेल काम करता रहता है ना, और उसे इलेक्ट्रिकल वर्क हमें मिलता रहता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क थोड़ी है, प्रेशर वॉल्यूम थोड़ी है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वो भी एक एक तरह का नॉन एक्सपेंशन वर्क है या यूजफुल वर्क है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एक सिस्टम कि वो एनर्जी जिसको हम लोग यूजफुल वर्क यानी कि नॉन एक्सपेंशन वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी फ्री एनर्जी है। अब डेफिनेशन के बाद इसका इक्वेशन ले लेते हैं। ये इसका इक्वेशन है, फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई एंट्रोपी, है ना, टी एस। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। अब आपको पता है कि एंथैल्पी से ज्यादा यूज होता है डेल्टा एच का, है ना, यानी कि एंथैल्पी में चेंज का, एंट्रोपी से ज्यादा यूज होता है एंट्रोपी में चेंज डेल्टा एस का। सेम वैसे ही जी से ज्यादा यूज होगा डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी में चेंज का। तो उसकी इक्वेशन आपकी ये है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये इक्वेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, और ये इक्वेशन है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आप इसको भूलना मत। ठीक है, तो ये डेल्टा जी में चेंज की इक्वेशन है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम डेल्टा जी को किस टर्म्स में पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, हमारा टॉपिक ही यही है फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी कि हमने पिछले वीडियो में एंट्रोपी को एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया के रूप में एस्टेब्लिश किया कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नहीं होगा, इसका पता लगाने के लिए हमने एंट्रोपी को यूज लिया। ठीक है, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम थी कि एंट्रोपी को यूज लेने के लिए हमें डेल्टा एस टोटल का साइन पता होना चाहिए, ठीक है, और टोटल में सराउंडिंग की एंट्रोपी भी आ गई, और सराउंडिंग की एंट्रोपी है ना वो कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं है, इसलिए स्पॉन्टेनिटी या किसी प्रोसेस कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए एंट्रोपी वाला जो क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, वो इतना अच्छा नहीं है, इतना सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है ना, बेटर ये हो कि कोई ऐसा क्राइटेरिया हो जिसमें सारे जो टर्म्स है वो सिस्टम के रेस्पेक्ट में हो,
सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्राइटेरिया हमें मिल गया है दोस्तों, ये है आपका डेल्टा जी। इसको हम स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया के रूप में यूज लेते हैं, सबसे सक्सेसफुल क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा इजी क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये क्राइटेरिया की जो इक्वेशन है वो वही है अभी हमने देखी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन सबसे अच्छी क्या खास बात है इस रिएक्शन की, ये जो तीनों टर्म है वो सिस्टम के रेस्पेक्ट में है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए इन सबको कैलकुलेट करना, अप्लाई करना बहुत ज्यादा ईजी है। एंट्रोपी के केस में आपको पता है ना, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस एंड सराउंडिंग वो आ रहा था उसमें, सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट करना इजी नहीं है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया है। और ये इक्वेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट की सेंटेंस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम पढ़ चुके हैं एंट्रोपी बढ़ती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो गिब्स एनर्जी क्या होगी, गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी। ये लो भाई हमें मास्टर सेंटेंस मिल गया है, वो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसकी गिब्स एनर्जी क्या होगी, जिसमें गिब्स एनर्जी कम हो रही है। जब तक गिब्स एनर्जी का साइन निगेटिव है तब तक वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना, ठीक है। अदरवाइज यदि गिब्स एनर्जी का साइन पॉजिटिव है डेल्टा जी का साइन, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। हमेशा ध्यान रखना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है तो गिब्स एनर्जी घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है सिस्टम की, ठीक है, क्योंकि वो वर्क में कन्वर्ट होती जा रही है ना, तो वो बेचारी फ्री एनर्जी तो कम होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये मास्टर सेंटेंस है उसका, डेल्टा ओ सॉरी मास्टर इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे सारा स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया हमें पता चलेगा, ये बहुत इजी है। डेल्टा जी जब जीरो से कम हो, लेस देन जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा जी का साइन निगेटिव है, निगेटिव है इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस से क्या है, कम है डेल्टा। तभी तो ये देखो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम होगी, तभी तो ओवरऑल साइन निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो उस केस में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये लो भाई स्पॉन्टेनियस के लिए आपको समझ में आ गया, डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए, टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप ऑपोजिट सिचुएशन लोगे, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से ज्यादा, इसका मतलब डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कब होगा पॉजिटिव, जब आपका जो डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल जी डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब ये होगा तब प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यदि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है ना, तो उस केस में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इक्वल हो जाएंगे, तभी तो देख लो जरा, इसके डेल्टा एच की और टी डेल्टा एस की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है तब ये इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों, और तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। बात आपको समझ में आ गई, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का साइन निगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव, और डेल्टा जी का साइन जीरो है इसका मतलब दोनों के दोनों जो पार्ट हैं डेल्टा एच और टी डेल्टा एस वो क्या है, इक्वल है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो जो टेबल है वो हमारे सामने आ गई है। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पॉन्टेनिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एनसीईआरटी की टेबल है, आपको आनी चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, अब इसमें छह सिचुएशन दी हुई है, एक से लेकर के तीन चार पांच और छह पॉसिबिलिटीज दी हुई है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं जिसमें डेल्टा एच का साइन निगेटिव है और डेल्टा एस का साइन क्या है, पॉजिटिव। देख लो जरा, निगेटिव पॉजिटिव, तो आप डेल्टा एच का साइन निगेटिव रखो, डेल्टा एस का साइन या पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव रखोगे तो ये साइन और ये साइन मिलकर के क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा जी का साइन हमेशा निगेटिव होगा, समझ लो जरा, डेल्टा एच का साइन निगेटिव, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव, तो उस केस में डेल्टा जी का साइन हमेशा ही निगेटिव रहेगा और सारे टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये देखो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, और डेल्टा जी का साइन क्या होगा, निगेटिव। बात समझ में आ गई। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, कौन सी सिचुएशन लेते हैं, सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं फटाफट, डेल्टा एच का तो हो गया निगेटिव, डेल्टा एस का हो भी निगेटिव, दोनों का निगेटिव लिया, देखो जरा यहाँ निगेटिव लिया और यहाँ निगेटिव लिया। अब यहाँ निगेटिव लिया तो ओवरऑल साइन क्या हो गया, डेल्टा एच और ये निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव टी डेल्टा एस। बात को समझो, ये इक्वेशन हो गई ना, ये जो इक्वेशन थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई, यदि हम डेल्टा एच का माइनस लेते हैं और डेल्टा एस का प्लस लेते हैं तो, ठीक है, नहीं दोनों का माइनस लेते हैं तो। ओके, अब ये इक्वेशन मिल गई हमें। अब
इस सिचुएशन में जो स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। कैसे? यदि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो गई, समझो जरा, यदि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये टी डेल्टा एस वाली टर्म है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल साइन जो है डेल्टा जी का वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? पॉजिटिव हो जाएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि लो टेम्परेचर होगा इसमें, है ना, वापस बता देता हूँ, यदि इस सिचुएशन में लो टेम्परेचर होगा तो ये जो टी डेल्टा एस है इसमें लो टेम्परेचर होगा तो इसकी वैल्यू डेल्टा एच से कम ही रहेगी। कम रहेगी तो ओवरऑल साइन क्या होगा? ओवरऑल साइन डेल्टा जी का नेगेटिव होगा। इसका मतलब लो टेम्परेचर पे, लो टी पे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये देखो, यदि दोनों नेगेटिव साइन है तो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और यदि टेम्परेचर हाई है, हाई जब होगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी और ओवरऑल डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, जब आपने हाई टेम्परेचर लिया तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव में हाई टेम्परेचर लिया तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हो गया और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही अब दोनों तरफ आप प्लस प्लस यूज लेंगे। मैं वापस कर देता हूँ इसको, है ना, कंट्रोल जेड की फैसिलिटी दे रखी है हमें कंप्यूटर जी ने। यस, तो अब हम फोर्थ सिचुएशन देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें दोनों में प्लस प्लस किया हुआ है। चलो अब प्लस यहाँ करते हैं और प्लस यहाँ करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो ये प्लस डेल्टा एच, और अब ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस टी डेल्टा एस। अब ये देखो, यहाँ पर एक बात है, क्या बात है, यहाँ पर यदि टेम्परेचर क्या बोलते हैं, लो है, देखो ना, लो टेम्परेचर है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, है ना। तो ओवरऑल डेल्टा जी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा, यही साइन मेंटेन रहेगा यदि इसकी वैल्यू कम है तो। ठीक है, तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होगा और वो क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कब? जब टी क्या है, लो टेम्परेचर है। तो ये देखो, सबसे पहले लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लेकिन यदि टेम्परेचर हाई है, तो ये टी डेल्टा एस की टर्म की जो वैल्यू है वो इससे एच से ज्यादा हो जाएगी, है ना। वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पर यही इक्वेशन। ये देखो, प्लस प्लस लगाना है ना, यहाँ भी प्लस हमने लगाया तो ये यहाँ पर माइनस ही रहेगा और ये टी डेल्टा एस। अब हमें लेना है हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब आप हाई टेम्परेचर लोगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी इससे, तो ओवरऑल जो साइन है वो आपका रहेगा निगेटिव डेल्टा जी का। ठीक है, डेल्टा जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव, और वो स्पॉन्टेनियस होगी। ये देखो, हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आ रहा है और रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब लास्ट वाली कंडीशन लेनी है, जब डेल्टा एच तो प्लस हो और डेल्टा एस माइनस हो। चलो इसका देख लेते हैं फटाफट, हमारी बेसिक इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें आपको डेल्टा एच का प्लस लेना है, इसका प्लस ले लो भाई, और डेल्टा एस का आपको माइनस लेना है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? प्लस डेल्टा एच और ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस टी डेल्टा एस। यस, इस सिचुएशन में डेल्टा जी का साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये देखो, डेल्टा जी का ये इक्वेशन हो गया ना, अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अब किसी की वैल्यू कुछ भी हो, साइन डेल्टा जी का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि इस सिचुएशन में टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, एट ऑल टेम्परेचर रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बात आपको समझ में आई? तो देखो, टेम्परेचर का कितना फर्क पड़ रहा है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर मेंटेन करके हम रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का रोल कब आता है। ठीक है, यदि देखो क्या बोलते हैं, डेल्टा एच पहली जो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में डेल्टा एच माइनस है और ये पॉजिटिव है। अब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का रोल कोई नहीं रह जाता है, डेल्टा जी का साइन हमेशा ही निगेटिव होगा, ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी। यदि ये प्लस ले रहे हो, ये माइनस ले रहे हो डेल्टा एस, तो डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, इन दोनों में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। यदि ये निगेटिव निगेटिव ले लोगे या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लोगे तब टेम्परेचर का रोल आएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से कुछ और हो जाएगा, कम होने से कुछ और हो जाएगा। बात को हम समझ चुके हैं, ये टेबल एनसीईआरटी की अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डेल्टा जी के बारे में एक दो इक्वेशन और हमें देखने हैं। एक तो ये है, डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से क्या संबंध है, इसको बहुत अच्छी तरह याद कर लो। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो माइनस 2.303 RT log
ये भी इसको लिख सकते हैं, जैसे ही हम नेचुरल लॉग को ओपन करेंगे ना तो इस तरह से लिख पाएंगे। तो ये रिलेशन है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में रिलेशन है। ध्यान रखना ये नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, डेल्टा जी नॉट है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला वही है जो एंट्रोपी वाला है, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी, ठीक है।